क्रूजर पसंद आई या फिर BMW RC कार पसंद आई, नीचे कमेंट करो गाइस फटाफट से अभी कभी। चलो दोस्तों अभी इसको, ओ भाई साहब क्या ही मजा आ रहा है यार, अलग लेवल का मजा आता है ये स्टीयरिंग लगाकर कार चलाने। अच्छा को अनबॉक्स करके बता देता हूँ, देखते हैं यार इसकी क्वालिटी वगैरह कैसी दे रखी है इन लोगों ने। यहाँ से मैंने इसको ओपन कर दिया है। दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो और फटाफट से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर से दबा देना यार। ठीक है, बिल्कुल एक ऑफिशियल कार के जैसे इन लोगों ने पैक वगैरह करके रखा हुआ है इसको, और यहाँ पर मिल जाता है इसका रिमोट कंट्रोलर, बिल्कुल भाई साहब जो अपने पास ऑफिशियल आर सी कार से उसी तरह का रिमोट भी इसके अंदर दे रखा है। पर इसकी जो क्वालिटी है यार थोड़ी सी मेरे को लो लग रही है। यहाँ पर है अपनी आर सी कार, ओ माय गॉड इसका डिजाइन तो देखो यार क्या ही गबरू बना रखा है इन लोगों ने, पीछे डबल स्टार लिखा है। यहाँ पर देखो यार BMW जैसा डिजाइन है इसका पूरा का पूरा, अगर सामने से इसको देखो ना गाइस तो आपको लगेगा कि ये BMW X7 है। सामने ग्रिल बिल्कुल उसी तरह की दी गई है, डबल बैरल हेडलाइट्स यहाँ पे दे रखी है, फॉग लैंप्स यहाँ पे मिल जाते हैं हम लोगों को। ये एक सेडान आरसी कार है, व्हील्स का डिजाइन भी देखो बड़ा ही कमाल का है। और भाई साहब इसके अंदर इन लोगों ने देखो शॉक एब्जॉर्बर भी लगा रखा है, नीचे इसका बैटरी कंपार्टमेंट, पीछे की तरफ से कार इस तरह की नजर आ जाती है। यहाँ पर टेल लैंप्स दिए गए और ये प्रॉपर तरीके से काम भी करते हैं गाइस। ये रहा इसका चार्जर और ये रही इसकी बैटरी, बैटरी भी सेम दे रखी है 7.2 वोल्ट की, 700mAh NICD बैटरी मिल जाती है इसके साथ। अभी अनबॉक्स करते हैं हमारे तीसरे वाले प्रोडक्ट को, आज की फाइट जो है ना गाइस बहुत ही ज्यादा यूनिक होने वाली है। और इसके साथ हम लोगों को जायरो सेंसर वाला रिमोट भी मिल जाता है, वीडियो पर क्लिक करो इधर व्यू प्रोडक्ट दिखाई देगा, उसके ऊपर जैसे करोगे इसका भी बाइलिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर हम लोगों को मिल जाती है इसकी बैटरी, बैटरी का शेप थोड़ा सा अलग है, 4.8 वोल्ट 700mAh की बैटरी दी गई है। और ये है इसका चार्जर, नॉर्मली आजकल इसी तरह के चार्जर्स आ रहे हैं हर एक आरसी कार के अंदर। ये ट्रक को मैंने निकाल लिया है इस बॉक्स के अंदर से बाहर। ये है इसकी रियल जायरो स्टीयरिंग, देखो यार कोई भी एंटीना पेंटीना नहीं लगाया इसके अंदर, ये पूरी तरीके से 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाली स्टीयरिंग है। ये निकाल लिया मैंने ट्रक यहाँ से, ये जो ट्रक है दो टुकड़ों में मिलता है, इसका जो पीछे का कंटेनर है अलग पार्ट है, ये सामने का जो इंजन पार्ट है ये अलग पार्ट में दिया हुआ है। इसके कंटेनर पार्ट के अंदर देखो यार पीछे की तरफ हम लोगों को 6 व्हील्स मिल जाते हैं और इसके कंटेनर को अलग से लगाने के लिए एक स्टैंड भी मिल जाता है, तो स्टैंड को जो हम लोग क्लोज और ओपन भी कर सकते हैं। कंटेनर की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा मस्त है और कंटेनर को जो हम लोग पीछे की तरफ से यहाँ से ओपन करके इसके अंदर कुछ भी सामान वगैरह लोड कर सकते हैं। कंटेनर का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा दे रखा है। तो भी बताता हूँ मैं इसका इंजन पार्ट, इंजन पार्ट बहुत ही ज्यादा गजब का है। सामने जो डिजाइन है ना गाइस वाला डिजाइन है ब्लू एंड रेड कलर के कॉम्बिनेशन में आ जाता है और इसके अंदर क्रोम भी बहुत ही ज्यादा यूज किया हुआ है, देखने में यार बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मर ट्रक जैसा ही दिखाई देता है। ये ट्रक का साइज मैं आपको बताऊं तो देखो गाइस कितना ज्यादा बड़ा है ट्रक। ओके गाइस तीनों को यहाँ पे मैंने रख दिया है। यहाँ पर देखो यार अपनी जो FJ क्रूजर है सच में इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, मेरे को लगा था कि ये BMW के साइज की होगी पर BMW से भी काफी ज्यादा बड़े साइज की है क्योंकि ये एक SUV है। BMW को रखते हैं साइड में, अभी देखो यार इन दोनों का कंपैरिजन आप देख सकते हो, ये ऑब्वियसली एक ट्रक है, लंबा तो होगा ही पर देखो यार ये कितना ज्यादा दुबला पतला नजर आता है टोयोटा FJ क्रूजर के सामने। तो ओवरऑल गाइस यहां पर कंपैरिजन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। चलो अभी चलते हैं बाहर, फटाफट से कराते हैं तीनों के बीच में फाइट, देखते हैं गाइस आज कौन जीता है, कौन हो पाता है विनर इन तीनों में से। लेट्स गो एंड फाइट। ऑलराइट गाइस यहाँ पर स्टीयरिंग वगैरह मैंने प्रॉपर तरीके से सेट कर दिया है, स्टीयरिंग के अंदर बैटरीज वगैरह डालनी थी सारी चीजें कर दी है। अभी यहाँ पर सीट लगाकर मैं बैठ चुका हूँ, ड्राइव मोड में मैंने इसको डाल दिया चला। अच्छा ठीक है, कार की कंट्रोलिंग बहुत ही ज्यादा ऑसम दे रखी है। देखो मैं स्टीयरिंग जिस तरफ घुमा रहा हूँ अपनी कार उस तरफ प्रॉपर तरीके से रेस्पॉन्स करके टर्न हो रही है। अभी मैं इसको थोड़ा सा दूर लेके जाता हूँ, दूर लेके जाकर अभी सामने आकर एकदम सडन ब्रेक लगाऊंगा, देखते हैं गाइस इसके ब्रेकिंग सिस्टम किस तरह का दिया हुआ है। देखो रिवर्स डालकर मैंने झटके से ब्रेक लगा दी, कार ने एकदम टर्न ले लिया है। यहाँ पर अभी टेस्ट करते हैं रियल जायरो सेंसर आरसी ट्रक को। इस ट्रक को चलाने में जितना मजा आता है ना गाइस दूसरे ट्रक्स को चलाने में उतना मजा आता नहीं है, क्योंकि मेन जो रीजन है इसका स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग बहुत ही ज्यादा रेस्पॉन्सिव मिल जाता है, देखो मैं स्टीयरिंग जिस तरफ टर्न कर रहा हूँ अपना ट्रक उसी तरफ प्रॉपर तरीके से टर्न हो रहा है। अभी टेस्ट करते हैं BMW कार को। ओ गाइस ये कार सच में बहुत ही ज्यादा क्विक रेस्पॉन्सिव है यार, ये कार कहीं से भी लाइसेंसड आरसी कार से कम मेरे को लग नहीं रही है, क्योंकि इसका जो रिमोट है ना गाइस बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बनाया गया है, इसको चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। ब्रेक लगा के देखते हैं, ओ भाई साहब इसके ब्रेक सही तरीके से नहीं लग रहे हैं यार। अभी मैं रेस लगाने वाला हूँ इन दोनों के बीच में, देखते हैं गाइस दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा फास्ट, देखते हैं इस रेस को ट्रक जीतता है या फिर अपना FJ क्रूजर। दोनों को मैं बहुत ही मिनिमम स्पीड पे चला रहा हूँ, अभी एक काम करते हैं दोनों के अंदर फुल स्पीड बढ़ाते हैं। जैसे ही फुल स्पीड बढ़ाई है मैंने FJ क्रूजर आगे निकल चुका है, यहाँ पर अपना RC ट्रक पूरी कोशिश कर रहा है FJ क्रूजर को टेक ओवर करने के लिए, पर मेरे को नहीं लगता गाइस FJ क्रूजर को टेक ओवर कर पाएगा क्योंकि FJ क्रूजर की जो स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर तक दी गई है, रेस को जीत चुका है FJ क्रूजर। कराएंगे BMW और FJ क्रूजर के बीच में, देखते हैं गाइस इस बार कौन जीता है। दोनों की रेस यहां पे स्टार्ट हो चुकी है, BMW बहुत ही ज्यादा क्विक रेस्पॉन्सिव आरसी कार है, देख सकते हो गाइस ये देखते ही देखते कितनी ज्यादा आगे निकल चुकी है। यहां पर FJ क्रूजर भी कुछ कम है नहीं और FJ क्रूजर ने ऑलमोस्ट इसको टेक ओवर कर ही लिया है गाइस। यहां पे देख सकते हो BMW ने अचानक से अपनी स्पीड बढ़ा ली है और वापस से FJ क्रूजर को टेक ओवर करके ये आगे निकल चुकी है। BMW की स्पीड सच में गाइस बहुत ही ज्यादा मेरे को लग रही है, क्लियरली इस रेस को जीत चुकी है BMW आरसी कार। अभी कराते हैं गाइस दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर, देखते हैं दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। दोनों के बीच में यहाँ पे लड़ाई चालू हो चुकी है, मेरे को लगा था कि गाइस ट्रक जीतेगा पर यहाँ पर गेम पूरी तरीके से पलट चुका है। FJ क्रूजर अपने ट्रक से काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है और यहाँ पर ट्रक पूरी तरीके से अपने आप को रोकने की भी कोशिश कर रहा है पर FJ क्रूजर इससे बहुत ज्यादा पावरफुल निकला। देखो यार बहुत ही आसानी से FJ क्रूजर ने RC ट्रक को हरा के रख दिया है।
अभी कराते हैं इन दोनों के बीच में पुशबैक, देखते हैं दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा ताकतवर। बीएमडब्ल्यू ने भाई साहब दो दो बार टक्कर मारी है एफजे क्रूजर को। एफजे क्रूजर की हालत यहां पर खराब हो चुकी है पूरी तरीके से। बहुत ही आसानी से बीएमडब्ल्यू ने एफजे क्रूजर को हरा के रख दिया है भाई साहब पुशबैक में। टक्कर के बाद बीएमडब्ल्यू की हालत देखो, और इसके बोनट के ऊपर बड़ा स्क्रैच आ चुका है और इसका बम्पर तो भाई पूरी तरीके से टूट फूट चुका है। एफजे क्रूजर को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा यार, देखो इसके ऊपर एक स्क्रैच तक नजर नहीं आ रहा है। बीएमडब्ल्यू की क्वालिटी देखो यार थोड़ी सी घटिया मेरे को लग रही है एफजे क्रूजर के मुकाबले में। अभी तीनों को ही मैं ऑफ रोड में भी चला के दिखा देता हूँ। पहले ट्रक को चलाते हैं यार, ट्रक ठीक ठाक तरीके से ऑफ रोड में चल जाता है पर इसकी स्पीड देखो गाइस बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। बीएमडब्ल्यू को भी चला के देख लेते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। स्पीड बढ़ाते ही देखो यार इसके पीछे के व्हील जो है थोड़ा सा स्किप करने लगते हैं। तीनों को ही मैं ग्रास में भी चला के दिखा देता हूँ, तीनों को इकट्ठा चलाएंगे गाइस। यहाँ पर दोनों तो चल रहे हैं गाइस पर अपनी ट्रक पूरी तरीके से रुक चुकी है। बीएमडब्ल्यू के व्हील जो है पूरी तरीके से स्किड कर रहे हैं ग्रास के ऊपर, पर ये आगे बढ़ चुकी है और ऑलमोस्ट यहाँ पर से भी आगे जा रही थी पर ये यहाँ पर फंस चुकी है गाइस, आगे मूव नहीं कर पा रही है। एफजे क्रूजर की हालत देखो यार, ये जस्ट थोड़ा सा ही मूव करी है और यहाँ पर ये फंस चुकी है, इसके भी जो व्हील्स है ग्रास के ऊपर स्किड कर रहे हैं। ट्रक तो यार यहाँ से बिल्कुल भी हिलने का नाम तक नहीं ले रही है, ट्रक यहाँ पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको एक ट्रांसफॉर्मर आरसी ट्रक पसंद है या फिर एफजे।